पाकिस्तान में जंगली परिंदों की 700 से ज़ायद स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इन परिंदों में कुछ परिंदे ऐसे हैं जो बेहद पसंद किए जाते हैं। इन्हीं परिंदों में तीतर भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के देहातों में एक आम पाया जाने वाला परिंदा है। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगली तीतरों और इनकी अकसाम के बारे में बताऊँगा। मालूमती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर एक, काला तीतर। काला तीतर एक खूबसूरत गेम बर्ड है। ये बरसखीर पाको हिंद का एक जाना पहचाना परिंदा है। बहुत से लोग इसे इसकी खूबसूरत आवाज़ की वजह से पालते भी हैं। पाकिस्तान के देही इलाकों में इस परिंदे को पालने वाले बहुत से शौकीन हजरात पाए जाते हैं। काले तीतर की जिसामत 30 से 35 सेंटीमीटर और वज़न 500 से 650 ग्राम तक होता है। नर का सर काला होता है। सर के पिछले हिस्सों के परों के सिरे भूरे रंग के होते हैं। मादाएँ नरों की नस्बत जिसामत में छोटी होती हैं और इनका रंग भूरा होता है। जंगली काला तीतर तुर्की से लेकर ईरान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक पाया जाता है। ये इन ममालिक का एक मुकामी परिंदा है जो हिजरत नहीं करता। पहले इसका फैलाव बहुत से दीगर ममालिक तक था, लेकिन वहाँ शिकार की ज्यादती की वजह से अब इसका खात्मा हो चुका है। इनको कोकस, गवाम और हवाई के जजायर पर भी मुतारफ़ किया गया है। पाकिस्तान में ये पंजाब के जनूबी इलाकों और सूबा सिंध में पाया जाता है। दुनिया भर में काले तीतरों की 6 जंगली नस्लें पाई जाती हैं। काला तीतर झाड़ियों वाले इलाकों और गनी और ऊंची फसलों में रहना पसंद करता है। ख़ास तौर पर यह दरियाओं के करीब गनी घास में पाया जाता है। ये जंगलात में रहने वाला परिंदा नहीं, लेकिन जंगलात के साथ अगर घास वाला इलाका भी हो तो ये वहाँ पाया जा सकता है। इनका ब्रीडिंग का मौसम मार्च से मई तक है और ये ऊंची घास में घोंसला बनाते हैं। ब्रीडिंग के मौसम में नर सुरीली आवाज़ें निकालता है। इस मौसम में आप इसे दिन भर सुन सकते हैं। ये जोड़े बनाने वाला परिंदा है, इसलिए एक नर सिर्फ एक मादा के साथ जोड़ा लगाता है। मादाएं 10 से 14 अंडे देते हैं, जिनसे 18 या 19 दिनों में बच्चे निकल आते हैं। नर और मादा दोनों चूज़ों की देखभाल करते हैं। काले तीतर बहुत से पौधे और इनके बीज खाते हैं। इनके अलावा ये हशरात और कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। इनकी खुराक में बहुत से फल भी शामिल हैं। नंबर दो, सुरमई तीतर। सुरमई तीतर तीतरों की एक नौ है जो बरसग़ीर पाक व हिंद के खुश्क मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ये झाड़ीदार इलाकों और खेतों में पाया जाता है। ये एक दरमियानी जिसामत का तीतर है, जिसके नरों की जिसामत 29 से 34 सेंटीमीटर और मादाओं की जिसामत 26 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। नर और मादा दोनों की रंगत एक जैसी होती है, सिवाय इसके कि नर की टांगों पर एक स्पर मौजूद होता है जो लड़ने में काम आता है। टांगों का रंग सुर्ख जबकि चोंच लंबी और आगे से मुड़ी हुई होती है। ये नीम सेराई इलाकों, घास के मैदानों और खेतों वगैरह में पाया जाता है। ये ज़्यादातर पाकिस्तान और भारत में पाया जाता है। इसको भारत के ज़ेर तसल्लुत अंडमान और निकोबार के जज़ीरों पर भी मुतारफ़ किया गया है। इसके अलावा एक अमरीकी रियासत हवाई पर भी ये मुतारफ़ किए गए हैं। इस तीतर की ऊंची आवाज़ अमूमन सुबह के वक्त सुनाई देती हैं। बाज़ औक़ात इनका जोड़ा एक के बाद एक आवाज़ें निकालता है। ये आमतौर पर छोटे ग्रुप्स में पाए जाते हैं। इनकी ब्रीडिंग का मौसम अप्रैल से सितंबर तक होता है, जिसमें ये ज़मीन पर घास फूस में घोंसला बनाते हैं। बाज़ औक़ात किसी चट्टान के अंदर भी घोंसला बना लेते हैं। मादाएँ अमूमन 6 से 8 अंडे देती हैं। इनकी खुराक में दाने, बीज और कीड़े मकोड़े बिलखसूस दीमक शामिल हैं। बाज़ औक़ात इनको सांपों को भी खाते देखा गया है। ये रात को ग्रोह की शक्ल में छोटे कांटेदार दरख्तों पर बैठते हैं। इस तीतर को सबसे बड़ा ख़तरा हद से ज़्यादा शिकार है, जिसकी वजह से इसकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। इन तीतरों को अरसा दराज से पाकिस्तान और भारत में लड़ाने के लिए पाला जाता है। इस मकसद के लिए इनको पालतू बनाया जाता है। बाज़ औक़ात इस मकसद के लिए जंगली तीतर के बच्चे भी पकड़े जाते हैं, जिससे इनकी जंगली आबादी कम हो रही है। नंबर तीन, बर्फ़ानी तीतर। ये तीतर पाकिस्तान, भारत, नेपाल और चीन में कोई हिमालिया से मुंसलिक बर्फ़ानी इलाकों में पाया जाता है। ये तीतर दरख्तों की आखिरी हद से बुलंद पहाड़ी इलाकों पर पाया जाता है, जहाँ घास के मैदान हों। बर्फ़ानी मुर्ग या राम चकोर के बरक्स ये बंजर पहाड़ों पर नहीं पाया जाता। नर और मादा एक जैसे होते हैं, लेकिन नरों की टांगों पर उंगली नुमा स्पर मौजूद होता है जो लड़ाई के काम आता है। ये तीतर ऊपर से सुरमई जबकि नीचे से मेहंदी रंग के होते हैं। टांगे और चोंच सुर्ख रंग के होते हैं और जिस्म पर सफ़ेद और काले रंग की धारियाँ होती हैं। इनकी जिसामत 38 से 40 सेंटीमीटर और वज़न 700 ग्राम तक होता है। बर्फ़ानी तीतर कोई हिमालिया पर पाकिस्तान से लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश तक पाया जाता है। ये 3000 से 5000 मीटर तक की बुलंदी पर पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अफगानिस्तान में भी पाया जाता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। ये तीतर चूंकि वसी इलाकों में पाया जाता है, इसलिए इसको मादूम होने का फिलहाल कोई ख़तरा नहीं। राम चकोर की नस्बत चूंकि ये थोड़ा कम बुलंद इलाकों में पाया जाता है, इसलिए ये शिकार भी ज़्यादा किया जाता है। पाकिस्तान में इनकी आबादी शिकार की वजह से काफ़ी कम हो गई है।
ये आमतौर पर बुलंद घास के मैदानों में पाया जाता है जहाँ लाइकन, मोस और फर्न्स वगैरह पाए जाते हैं। ये घास वाले पहाड़ों पर ही मिलता है। रामचकोर की बनस्पत ये बंजर पहाड़ों पर नहीं पाया जाता। ये तीतर बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं। बर्फानी तीतर छोटे झुंड में पाए जाते हैं जिनमें 6 से 8 तक परिंदे होते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के मौसम के अलावा इनका झुंड 30 तक हो सकता है। दिन के वक्त ये चट्टानों पर धूप भी सेकते हैं। ये तीतर घास फूस, मोस, लाइकन्स, बेरीज और छोटे पौधे वगैरह खाते हैं। ये बाज़ोकात पत्थर भी खाते हैं जो इनको हाजमे में मदद देते हैं। इनका ब्रीडिंग का मौसम मई से जुलाई तक होता है। नर सिर्फ एक मादा के साथ जोड़ा लगाता है। ये घास के अंदर या किसी चट्टान के नीचे घोंसला बनाते हैं। मादाएं 3 से 5 हल्के जर्द रंग के अंडे देती हैं जिनके गोल हिस्से पर सुर्खी माइल भूरे रंग के धब्बे होते हैं। मादा अंडों पर बैठती है जबकि नर इसका ख्याल रखता है। दोस्तों, मुस्तकबिल में जंगली हयात के बारे में मुनफरद मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चैनल निसार अहमद टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।